लाहौर बिजली चोरों का गढ़ बन गया। सूबे भर में बिजली चोरी में दूसरे नंबर पर। लेस्को को सालाना अरबों रुपए का नुकसान। लाइन लॉसेज की शरह 11.96% रिकॉर्ड। बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन भी किसी काम ना आए। सबसे ज्यादा बिजली चोरी में मुल्तान पहले नंबर पर। नेप्रा ने रिपोर्ट तलब कर ली। गुलाब देवी अंडरपास के इफ्तिताह में 3 रोज बाकी। अंडरपास के नए नाम अब्दुल सत्तार एधी। अंडरपास का बोर्ड आवेजा। दीवारों पर जिगजैग आर्ट वर्क मुकम्मल। वजीर आला उस्मान बुजदार 27 दिसंबर को इफ्तिताह करेंगे। इफ्तिताह के बाद अंडरपास को आम ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। उधर पंजाब हुकूमत ने LGA की इस्तदा मान ली। गुलाब देवी, शाहकाम, शेरावाला, सगिया और बाबू साबू मनसूबे के लिए मंजूर शुदा 5 अरब 10 करोड़ जारी। पुराना बल्दियाती निजाम खत्म होने में 7 रोज बाकी। महकमे बल्दियात की 31 दिसंबर के बाद नए सेटअप की तैयारी। इंतजामी अफसरान की दोबारा बतौर एडमिनिस्ट्रेटर तायुनात किया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात ने समरी वजीर आला को इरसाल की। नए एडमिनिस्ट्रेटर सेटअप में कमिश्नर्स का इख्तियार निगरान का होगा। मेट्रोपोलिटन कारपोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर डिप्टी कमिश्नर लाहौर होगा। बगैर डिजिटल फिटनेस सर्टिफिकेट मुसाफिर गाड़ियों का लाहौर दाखिला बंद। पुलिस को बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। रिलीफ कमिश्नर बाबर हयात ने तहरीरी अहकाम जारी कर दिए। सिर्फ डिजिटल सर्टिफिकेट वाली मुसाफिर गाड़ी दाखिल होगी। लाहौर में बारिश होगी, समोग में कमी आएगी, मौसमी बीमारियों से जान छूटेगी। महकमे मौसमियात ने इतवार या सोमवार को बारिश होने की नवीद सुना दी। शहर में आज भी फिजाई आलूदगी छाई रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स 337 रिकॉर्ड। बहरिया ऑर्चर्ड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 466, कोट लखपत में 460, डेवस रोड पर 451, डिफेंस में 428, मॉडल टाउन में 425 रिकॉर्ड किया गया। US कौंसुलेट के अतराफ घड़ी चाहू, गुलबर्ग, मरातब अली रोड भी आलूदा तरीन करा। PIC में जायदुल मियाद स्टंट डालने के केस में पेशरफ्त। कैथ लैब में तायुनात 19 स्टाफ नर्सेज जायदुल मियाद स्टंट की चेकिंग न करने पर मुअत्तल। पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई का हुक्म जारी। मुअत्तल स्टाफ नर्सेज में सबा इकबाल, अतिया सदाकत, इकरा हमीद, मरियम आबिद, हिना अक्रम, सबा परवेज, रबाका, नवीदा अख्तर, समीना असलम, इरफाना कौसर शामिल। सुम्बल रहमत, फौजिया रहमत, आसिया गफूर, सोबिया यूसुफ, महविश मंजूर, हिना फातमा, तैयबा लतीफ, जोया खान और समिया मंसूर भी मुअत्तल। मजीद 40 से ज्यादा डॉक्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी जारी। और VVIPs की तेज रफ्तारी मुहाफिजों की मौत का सबब बनने लगी। एलीट फोर्स के अहलकार हादसात का शिकार होने लगे। चंद रोज कबल मोटरवे पर खौफनाक हादसा पेश आया। एडिशनल IG एलीट ने VVIPs के साथ स्कॉट करने वाली एलीट की गाड़ियों को 120 की स्पीड से ऊपर जाने से रोक दिया। पाबंदी के हवाले से मरासला जारी।